देख रहे हैं रीवा दर्शन और मैं हूं आपके साथ विजय विश्वकर्मा। चुनावी बुलेटिन में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चुनावी चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, इसके पहले हम आपको परिचय करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं खास मेहमान, आइए आपको परिचय कराते हैं। हमारे साथ है योगेंद्र शुक्ला जी, संभागीय मीडिया प्रभारी बीजेपी। साथ ही हमारे साथ मौजूद है बसपा के प्रदेश महासचिव डॉक्टर राम शेखर वर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ कांग्रेस के संभागीय प्रवक्ता सुबोध जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही समाजवादी पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी रीवा के रामायण सिंह जी मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विधानसभा चुनाव में जिस तरह से यहाँ पर देखने को मिला, पिछले विधानसभा चुनाव से अत्यधिक इस बार वोट प्रतिशत बढ़ा और लोगों ने खुलकर मतदान किया। महिला और पुरुषों की संख्या भी इस बार ज्यादा देखने को मिली, क्या वजह रही ये जानते हैं संभागीय मीडिया प्रभारी योगेंद्र जी से कि आखिर इस बार जो है इस चुनाव में महिला और पुरुष ज्यादा खुलकर वोट करने गए, क्या वजह मानते हैं आप इसे? सबसे महत्वपूर्ण वजह तो ये है कि हमारे देश की जनता धीरे धीरे परिपक्व हो गई, खासकर रीवा की जनता बहुत जागरूक है और अपने अधिकारों के प्रति सजग है और विकास के साथ वो जुड़ चुकी है। इसीलिए वह लाइनों में कतारों में खड़ी होकर और अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए निकली। और मैं तो बहुत खुश हूँ कि रीवा की जनता ने जिस उमंग उत्साह से मतदान किया है उससे भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने 2003 की जो स्थिति थी उससे आगे जा रही है। एक बात और मुझे लगता है कि इस बार निर्वाचन आयोग ने बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं बनाई थी और हर घर में मतदाता सूची यहाँ की जो पर्चियां थी वो पूर्व में प्राप्त हो चुकी थी, इसलिए जनता को भटकना नहीं पड़ा और जनता अपने मतदान केंद्र में और जो पर्ची मिली थी उसमें बहुत ही व्यवस्थित ढंग से पीएलओ का नंबर डाला हुआ था, पर्ची में समय डाला हुआ था मतदान का कब से कब तक, माने बहुत ही अच्छी व्यवस्था निर्वाचन आयोग ने की और आम जनता जागरूक हो चुकी है। साक्षरता प्रतिशत बढ़ा है, युवाओं में बहुत ज्यादा उत्साह था, खासकर हमारी महिला बहनें जो हैं वो भी अपने अधिकारों के प्रति बहुत सजग और जागरूक है, लंबी लाइनों में खड़ी होकर उन्होंने मतदान किया और विकास की जो भाव उनके अंदर था वह मतपत्रों में बंद हुआ है। और निश्चित तौर पर मैं रीवा जिले में भारतीय जनता पार्टी सभी राजनीतिक दलों को पीछे छोड़कर इतिहास बनाने जा रही है। बिल्कुल, जिस तरह से निर्वाचन आयोग के निर्देश थे और उन्होंने कैंपेनिंग की, एक प्रयास किया कि घर घर में जाकर लोगों को जागरूक करें कि वो वोट डालें, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि इस वोटिंग का असर उनकी पार्टी को मिलेगा। सुबोध जी, आपका क्या कहना है कि कांग्रेस एक तरफ कह रही है कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ने से कांग्रेस को फायदा होगा, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि इससे भाजपा को फायदा होगा? देखिए, वास्तविकता यह है कि अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जनता का शासन जनता के द्वारा और जनता के लिए। अच्छी बात है वोटिंग प्रतिशत बढ़ा, लेकिन वोटिंग प्रतिशत कब बढ़ता है, क्यों बढ़ता है और किस लिए बढ़ता है, यह दोनों बातें अपने आप में समाहित हैं। विकास की जो बात है, हमें तो रीवा से आप इलाहाबाद रोड ले लीजिए, रीवा से आप सतना चले जाइए, यदि आपको कहीं विकास दिखाई दे रहा हो तो मैं नहीं कह सकता हूँ। और आप सब यह समझ सकते हैं कि किसान, मजदूर, महिला सुरक्षा, ये तमाम बिंदु ऐसे थे इस पंचवर्षीय योजना में कि जिससे शिवराज सिंह चौहान सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्णतः फेल थी और उसी कारण से जनता के अंदर जो आक्रोश था वह कुछ अधिक मत प्रतिशत के रूप में निकला, जबकि और ज्यादा मत प्रतिशत के रूप में निकलना चाहिए था। और निश्चित तौर पर इस बार हम पूर्ण दावे के साथ कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर जनता का जो आक्रोश भारतीय जनता के प्रति था वह मत पेटियों में और हमारे जो ये ईवीएम मशीन है उसमें बंद हो चुका है और विजय हमारी निश्चित तौर पर होगी। यह केवल भारतीय जनता पार्टी का मुबालता है और जिस तरह ये लोग लतीफे और जनता को भ्रमित करते हैं वह इस बार हमें सफलता दिलाएगा।
2003 से लगातार अभी भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार काबिज रही और चौथी बार भी उनका दावा है कि वो सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस का भी दावा है कि वो फिर वापसी करेंगे और सत्ता में आएंगे। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी क्या सोचती है, वो कहां पर अपने आप को देखती है? देखिए सवाल इस बात का है, 2003 में जो इलेक्शन हुआ एंटी कमेंसी था कांग्रेस के खिलाफ, और कांग्रेस ने जो काम किया था वो कारनामे सब सामने थे, जनता जानती थी। लाइट के लिए लोग तरस रहे थे, बड़े बड़े ऐसे गड्ढे थे, गड्ढों में रोडें तब्दील हो गई थी, चलना बड़ा मुश्किल था। इस बात को देखकर जो विकास रूपी चीज थी वो जनता तक नहीं पहुंच पा रही थी, हाहाकार मचा हुआ था। ऐसे पीरियड में कांग्रेस की सरकार बदल दिया लोगों ने। उस समय बहुजन समाज पार्टी और फिगर में थी कि बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाएगी, लेकिन एंड वक्त में बहुजन समाज पार्टी को कुछ ऐसे लोगों जैसे मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी का भी इसमें रोल रहा, और हमारे भारतीय जनता पार्टी ने भी हमारे जो प्रेसिडेंट है पूर्ण सिंह बरैया जी, तो उन्होंने इनके संपर्क में आए, और क्योंकि हमारी जो 23 तारीख को भीड़ भोपाल में हुई, ऐसी भीड़ कभी हुई नहीं, बैठ मारी मायावती जी आई और ये हो गया कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार यहाँ पर बनेगी जी। जब इस बात को पता चला तो इन्होंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष को अपने साथ में ले लिया, तो जो प्रदेश अध्यक्ष गए पर उनको ये कहा कि आप बहुजन समाज पार्टी में रहोगे और टिकट हमारे हिसारे से करो। तो क्या हुआ, वो हमारे साथी वहां तो चले गए, लेकिन वो जब इस बात को पता चला बहन जी को, तो बहन जी ने हमारी बहन कुमारी मायावती जी राष्ट्रीय सुब्रमण ने उनको पार्टी से बाहर निकाला और नया प्रेसिडेंट बनाया। तब तक हमारा पूरा ढांचा जो डिस्टर्ब हो चुका था, तो ऐसे पीरियड में तो हमारी वहां से सरकार हम बनाते बनाते रुक गए। और फिर जब हमारा ये चुनाव चला, भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा समर्थन प्राप्त हुआ और जैसे भी करके सरकार बनाते रहे, और ईवीएम का जैसे खेल हुआ, ईवीएम का खेल आते आते लोग पकड़ कर पाए, जब ये 2018 में इलेक्शन हुआ, 18 में हुआ, इसके पहले जो इलेक्शन हुआ, तो जब इन्होंने 13 में सरकार बनाई, तो 13 में जब सरकार बनाई तो ईवीएम के माध्यम से बनाया, इसको लोग समझ नहीं पाए कि ईवीएम का खेल क्या है, कि हम जब बटन दबाते थे तो पता नहीं चलता था किस कैंडिडेट किस उम्मीदवार को वोट चला गया, ये बात पता नहीं चलता। हम दिल्ली में देखें तो दिल्ली में वही ईवीएम से चुनाव हुआ और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, जबकि वहां पर कांग्रेस और भाजपा के कद्दावर नेता हारे। उसका सवाल इस बात का सीधा सा था कि अगर इस बात का पोल खुल जाता तो देश की सरकार डगमग हो जाती, क्योंकि जो देश की सरकार ऐसे डगमग हो जाती कि जब पोल खुल जाता तो ये लगता कि भाई कुछ न कुछ तो जनता को दिखाना पड़ेगा, भाई पूरा एक तरफा ले लेंगे तो पूरा पोल खुल जाएगा, क्योंकि ईवीएम को जो भारत देश में जो कई राज्यों ने इसको रिजेक्ट कर दिया, अमेरिका ने चीन ने सारे लोगों ने रिजेक्ट कर दिया कि ईवीएम मशीन सही नहीं है, और लोगों ने जब रिजेक्ट किया तो हमारे भारत के लोगों ने लिया और भारत के ऐसे सुपूर्ण नेता ने लिए इस काम को किया। तो साथियों ये सबसे बड़ी बात ये आपके सामने आई कि ये लोगों ने मशीन को लिया, मशीन का उपयोग किया, ये बात सही है, लेकिन ये जानते थे कि अगर पूरा का पूरा बहुमत ले लेंगे तो पोल खुल जाएगी, इसलिए उस पोल को उन्होंने दबा के रखा। और योगेंद्र जी, ईवीएम की सत्यता पर यहाँ पर आपने आरोप लगाया है कि ईवीएम में गड़बड़ियां होती है, आप क्या कहेंगे? हमारे मित्र जिस तरह से अपना जनाधार खो रहे हैं और लगातार उत्तर प्रदेश की स्थिति आप देख लीजिए पूरे देश की, और इस बार भी देखिएगा, जैसे हारेंगे वैसे शुरू कर देंगे ईवीएम ईवीएम ईवीएम, इतनी पारदर्शिता। चुनाव आयोग ने तो चैलेंज किया था कि भाई आप आओ और हैक कर लो, न नेट सिस्टम है न कुछ है, इतनी पारदर्शी मशीन बनी है भारत में, कोई सामने नहीं आया, बस जनाधार खसक चुका है, कोई वोट नहीं दे रहा है, पैसे से टिकट बिक रही है, शिवप्रियों के इशारे पर सिर्फ पैसे का खेल हो रहा है, जमीन में कुछ नहीं है, एक भी सीट जीतने की स्थिति नहीं है बहुजन समाज पार्टी की, तो झूठे आरोप लगाने के अलावा बचता क्या है? मैं तो यह मानता हूं कि जो जमीन से कटे हुए हैं, जिनका जमीन से कोई वास्ता नहीं है, आज गरीब पक्के मकान में है उसका श्रेय भाजपा को है, गरीब को 1 रुपए किलो चावल, 1 रुपए किलो गेहूं, 1 रुपए किलो नमक और उसके साथ 200 रुपए प्रतिमान फिक्स रेट पर बिजली मिल रही है, लाइट मिल रही है, पानी मिल रहा है, हर सुविधा भाजपा सरकार ने गरीबों के दी है, गरीब समाज आर्थिक सामाजिक उन्नति तरस रहे, पानी ये झूठ पानी के लिए तरस रहे, वहाँ अगर कोई आदमी मर जाए, भारतीय जनता पार्टी ने इतना बढ़िया काम किया है कि आज इन्होंने आज कोई इंसान ईवीएम की पारदर्शिता को कहाँ पर देखते हैं? देखिए सत्ता में जो रहता है जी, वह पूरी कोशिश करता है कि
किसी न किसी तरह से वोट को हम प्रभावित करें। 60 सालों तक आपने किया होगा तो आपको अनुभव है भाई। भाई भाई नहीं देखिए ऐसा है नहीं, अगर आप ये मानते हैं सत्ता में तो सबसे आ सत्ता में तो आप रहे 60 वर्षों तक आप रहे 60 वर्ष तक थे तो कांग्रेस ही एक ऐसा दल है देखिए कि जो सबको लेकर के चलता है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद की बात करती है लेकिन मंदिर और मस्जिद नहीं, और क्षेत्रवाद ईवीएम में भी गड़बड़ियां हुई जिससे हम पिछले चुनाव हारे और शिवराज सिंह चौहान और उनके कुछ कलेक्टर उसमें मिले हुए थे जिन्होंने पैसे लेकर के। बताइए कि यहाँ पर कांग्रेस क्या ऐसे कलेक्टर्स और ऐसे अधिकारियों को अपने पक्ष में नहीं कर पाती, क्यों नहीं कर पाती? अभी तो हमारी 15 वर्षों से सरकार नहीं, ईवीएम अभी आई, ईवीएम कांग्रेस और स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस और मनमोहन सिंह के शासन में ही चुनाव हुआ है। हमेशा चरित्र की बात करती है भारतीय जनता पार्टी की बातें और उनका चाल चरित्र और चेहरा स्वतंत्रता के आंदोलन से लेकर के आज तक आप देख सकते हैं। अमित शाह जी और मोदी जी ने कहा था कि हर बैंक खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, 100 दिनों में हम काला धन देश में लाएंगे। रामदेव जी कहते थे कि ये डीजल और पेट्रोल के दाम हमारी सरकार आ जाएगी तो हम बिल्कुल कम कर देंगे। आज आप देखिए वही अमित शाह कम है तो फिर धन्यवाद है आपको और भारतीय जनता पार्टी को। निचले स्तर पर महंगाई है, पेट्रोल सबसे निचले स्तर पर महंगाई है, सबसे निचले स्तर पर पेट्रोल डीजल हो चुका है। कांग्रेस बहुजन तीनों का दावा आपने सुना, आप अपने आप को कहां मानते हैं और समाजवादी इस मसले पर क्या करना चाह रही है? मैं तो सबसे पहले अपने विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाया और मजबूत किया। ईवीएम के बारे में जैसे अभी चर्चा हुई 28 तारीख की, उसमें आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के पास न्यूज आई होगी कि कहीं ईवीएम मशीन 8:30 बजे चालू हो रही, कहीं 9 बजे चालू हो रही। ये तो सत्यता है, इस चीज को प्रैक्टिकली सब लोग देख चुके हैं। और जहां विकास की बात है तो हमारी मध्य प्रदेश सरकार 1,78,000 करोड़ के कर्ज में चल रही है और सिर्फ विकास का ढकोसला है कि विकास हो रहा है। भाई आज देखिए शिक्षा के क्षेत्र में क्या विकास हो रहा है, कितने स्कूलें बंद हो रही हैं, कहते स्ट्रेंथ कम है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए हॉस्पिटल जाइए, मैं तो खुद अपने रीवा हॉस्पिटल जाके देखा कि लोगों को गद्दे नहीं है, बिस्तर नहीं है, जमीन में लेटे हुए हैं पेशेंट। सिर्फ सिंचाई के क्षेत्र में कहते हैं कि हमने बहुत तरक्की कर लिया। उद्योग के क्षेत्र में देख लिए, हम तो मानते हैं कि उद्योग के क्षेत्र में हमारे यहाँ कोई प्रगति नहीं है। रीवा संभाग लाइमस्टोन के क्षेत्र में सबसे बड़ा क्षेत्र है और ऐसा क्षेत्र इंडिया में कहीं नहीं है, लेकिन यहाँ जिन लोगों को रोजगार दिया गया है वो फोर्थ क्लास के लड़कों को रोजगार दिया गया है और उनको कहीं जम्मू ट्रांसफर होता है, कहीं त्रिपुरा ट्रांसफर होता है, तो नौकरी छोड़ के घर बैठ जाते हैं। व्यापकम के बारे में तो काफ़ी चर्चा हो चुकी है, मैं इस मुद्दे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ कि इतना बड़ा घोटाला इंडिया में कुछ नहीं हुआ। अभी यदि आपकी सरकार पर आरोप लग रहा है विकास एक ढकोसला है, क्या कहेंगे आप? हमें ऐसा लगता है जब चश्मे का रंग बदला रहता है तो आदमी कुछ नहीं दिखाई देता। एक कहावत है कि सावन के अंधे को हरा हरा ही दिखता है, परंतु सच्चाई तो आपके सामने आंकड़ों में है। कांग्रेस के शासन में सिर्फ 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, आज हम 60 लाख हेक्टेयर से ऊपर 80 के आसपास पहुंच रहे हैं। बिजली की स्थिति आप जानते हैं, लाइट दिखने के लिए आती थी और चली जाती थी, आज हम 24 घंटा घर घर बिजली दे रहे हैं, गांव में भी दे रहे हैं, सिंचाई के लिए अलग से हमने विद्युत व्यवस्थाएं की हैं, घर घर में पानी पहुंचा रहे हैं, सीवर लाइन बिछ गई है रीवा में, हर गांव में अच्छी स्कूलें हैं और स्वास्थ्य केंद्र हर ब्लॉक में अच्छे हैं, शिक्षा के लिए हर स्कूलों को गुणवत्तापूर्ण बनाया गया है। शिक्षा कर्मी की व्यवस्था कांग्रेस ने की थी, उन्हें हमने प्राध्यापक बनाया, सम्मान दिया, क्योंकि पानियों के दम पर आप देखें जो गांव में देखे, पानी तो गांव में मिला नहीं, तड़प तड़प के लोग मर रहे हैं। आज कोई आदमी मर जाए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक गरीब इंसान कहते हैं हम सबको रोटी सबको कपड़ा सबको मकान, ये सरकार कह रही है, देश में सरकार है और प्रदेश में भी सरकार है। आप ये देखिए कि आज एक आदमी इंसान अगर मर जाए, कुछ इंसान तो ऐसे है अगर वो मर जाए तो उनके 5 फुट दफनाने के लिए जमीन नहीं और सर की छिपाने के लिए तो जगह है नहीं।
कोई कनेक्शन नहीं, इतना बिल इतना 60,000 गरीबी ने था आदमी एक बार चला गया 60,000 रुपए उनकी घर में फोन करने पर 108 गाड़ी जाती है और मरीज को लाकर हॉस्पिटल भर्ती कराती है। पुलिस के लिए 100 नंबर गाड़ी है। आज तक उन्होंने 2,00,000 पर्ची जो बैकलॉग पोस्ट है एसएससी ओबीसी का आज तक मध्य प्रदेश में भरा नहीं गया। 70,00,000 यहाँ 2,00,000 पोस्ट आज और लिपनिया एरिया में जो कहा जा रहा है कि पानी की समस्या नहीं है, लोग बाग लाइन लगा के डिब्बे लेके मैंने स्वयं देखा भी घर घर पानी पहुंच चुका है। मैं बात कहना चाहता हूँ जो योगेंद्र जी ने कहा कि बिजली 200 में कब 5 वर्ष से किसान जेल की शिक्षों के डर के मारे घर में छुपा बैठा था, तब शिवराज सिंह चौहान झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है पार्टी नहीं आई। अभी 6 महीने पहले जब चुनाव आया 100 रुपया प्रति चुनाव आया 2003 हजारों किसानों का कुर्की वारंट 18% का ब्याज लेते थे, हम 0% में कर्ज दे रहे हैं। 1,00,000 में 10% हम बोनस दे रहे हैं। पूरी बिजली की आप किसानों के बारे में कुछ कह नहीं सकते। दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में योजना बनी चुकी उस समय, अभी दिग्विजय सिंह का कार्यकाल ही आप चलाते हैं, कब तक चलाएंगे? कह रहा हूँ कांग्रेस बंटा खार का युग आप भूल जाइए, बंटा खार का युग समाप्त हो चुका है। छत्तीसगढ़ विकास में और देश बढ़ रहा है, बिजली का उत्पादन ज्यादा छत्तीसगढ़ में था, हमारे यहाँ कम हुआ। उस समय योजनाएं बनी, उसका प्रतिफल भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली यदि कहीं बिकी है तो वह मध्य प्रदेश के अंदर। ये झूठे आरोप हैं। 200 रुपए का भ्रष्टाचार इस बिजली विभाग में मध्य प्रदेश के। अरे अभी 4 महीने पहले वोट लेने के लिए किया, 1,00,000 को 200 रुपए वोट लेने के लिए उन्होंने एक अभी 6 महीने पहले घोषणा की, उसके पहले लाखों किसान बेचारे मजबूरी में परेशान थे, उनके तमाम प्रकार की योजनाएं 15,00,000 रुपए खाते में दिए, 100 दिन में काला धन आ गया। ये तो आपके झूठे हैं। बताए शेख चिल्ली की जमात में आप शामिल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश ये सबसे बड़ी बात सीधी से देख लें, इन्होंने क्या कहा कि हम रोजगार युवाओं को रोजगार देंगे, इन्होंने रोजगार क्या अभी इन्होंने क्या किया भारतीय जनता ने जो सरकारी ब्रेक के बाद लौटेंगे, जानेंगे आखिर क्या है मुद्दे जिस पर चुनाव लड़े गए। ब्रेक के बाद सभी दर्शकों का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे आखिर जिस तरह से वोट प्रतिशत बढ़ रहे हैं, और पिछले चुनावों में देखा गया था कि वोट का परसेंटेज कम है और इस बार जागरूकता की वजह से वोट प्रतिशत बढ़ा है। और क्या मानते हैं कि किस तरह से यहाँ पर वोट प्रतिशत बढ़ाने से किसको फायदा हो रहा है और किसको नुकसान? सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा, एंटी इनकंबेंसी है, लोगों के अंदर आक्रोश है और भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे वह जमीन पर नहीं उतरे। भ्रष्टाचार, कुशासन और व्यापम जैसे कांडों के कारण मंदसौर के किसान खत्म हुए, मतलब हत्याएं की लोगों ने मजबूरी में, तो इनकी जो योजनाएं थी भारतीय जनता पार्टी की, जिसके कारण आम आदमी इतना त्रस्त हो चुका था, परेशान हो चुका था, चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में पूरी तरह से फेल्योर रही है इनकी गवर्नमेंट। माफ करिएगा, क्या ये जागरूकता के चलते वोट प्रतिशत बढ़ रहा है या फिर आक्रोश के चलते? दोनों बातें हैं। आक्रोश से लोग वोट डालने जा रहे हैं या फिर
जो निर्वाचन आयोग के निर्देश थे लगातार वो कैंपेनिंग कर रहे थे, जागरूक कर रहे थे, उससे वोट संख्या बढ़ी है। संख्या के कारण हुआ क्योंकि वोट प्रतिशत 5 साल में युवाओं जो बैलेट नहीं थे वो हमारी 10% जनता बढ़ी, चाहे युवाओं को हो महिलाओं को, वोटें कहां जाएंगी, वो जो बढ़ेगी तो वोटें जुड़ेगी आम जनता में। भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगाव है, कोई ऐसा बना नहीं, कोई ऐसा चौथी बार भाजपा को प्रदेश में लाना है, इसलिए हर व्यक्ति निकल कर गया और भाजपा के पक्ष में वोट देकर भाजपा सरकार बनाने के लिए ये वोटिंग हुई है। जनता परिवर्तन चाहती है। जब जब आप आंकड़ा निकालिए, जब जब वोटिंग बढ़ी है भारतीय जनता पार्टी, पूर्ण बहुमत से इस बार को हमारा लक्ष्य है, अब की बार 200 पार उसको हम 100% पूरा करने जा रहे हैं। ये जो यहाँ पर अगर हम देखें कि विकलांगों के लिए भी, दिव्यांगों के लिए भी, अपाहिज लोगों के लिए भी, बुजुर्गों के लिए भी निर्वाचन आयोग ने उनको घर से ले जाकर मतदान बूथ तक ले जाने की व्यवस्था की थी और बेहतरीन व्यवस्थाएं की गई थी, पिंक बूथ बनाए गए थे, तो इन चीजों का कोई असर नहीं। कितने लोग विकलांग होते हैं, 2-4 लोग होते हैं, मुझसे उससे कितना फर्क पड़ेगा। कुर्सियां लगी हुई थी, गांव गांव में एक मतदान केंद्र सजे हुए थे, इसका भी उत्साह था, लोग देखने जाते थे कि हमारा मतदान केंद्र कितना अच्छा बना हुआ है, कितनी अच्छी व्यवस्था है, इसका असर है। आप जो कह रहे हैं उसका असर है, उसके साथ साथ सबसे बड़ा है जनता में उत्साह है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रसन्न था और पुनः चाहता था चौथी बार भाजपा की सरकार बने, इसलिए ये ज्यादा वोटिंग। हमारा शिक्षित वर्ग है वो बेरोजगारी के दौर से दूर गुजर रहा है और वो चाहता है कि सत्ता परिवर्तन, क्योंकि ये सरकार कहीं बेरोजगारी नहीं है, सब लोग रोजगार धंधे में लगे हुए हैं, नौकरियां मिल रही है। भाजपा सरकार ने सबका साथ सबका विकास को जमीन पर उतारने का काम किया है, नौजवानों को मंजूर किया, व्यापार लक्ष्मीकांत शर्मा भारतीय पंटा ढार का युग जा चुका है, आयोग के जो ये निर्देश थे वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे उसका कहीं असर देखने को नहीं मिला। लेकिन वास्तविकता में सच ये है कि निर्वाचन आयोग ने एक एक वोटर को निकाल कर मतदान बूथ में ले जाने की पहल की, उसका भी असर देखने को मिला, जिसके चलते वोट प्रतिशत बढ़ा। आज बस इतना ही, आप हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आगे भी चर्चा बढ़ाएंगे, तब तक के लिए रीवा दर्शन नमस्कार।